वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी मेकअप मंत्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 4 मिनट मेकअप चैलेंज। आज के लाइफ में देखिए सभी लेडीजें वर्क करती हैं, इसीलिए किसी के पास अपने लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो इतनी देर तक घंटों दो घंटे तक तैयार होती रहे या मेकअप करती रहे। तो इसीलिए आपके टाइम की बचत करने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास 4 मिनट मेकअप लेकर। तो चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर मैं सबसे पहले टोनर ले रही हूँ क्योंकि अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये पोर मिनिमाइज प्राइमर लगाऊंगी, इससे हमारा स्किन का बेस है जो बहुत ही स्मूथली रेडी होगा, इसलिए प्राइमर भी बहुत ज़रूरी है। अब ये ओलिविया की येलो कलर करेक्टर है, इससे जो है कि जो हमारा स्किन टोन है, जो अनइवन स्किन है वो एक सी हो जाएगी। हमारे फेस पे जो भी ब्लैक स्पॉट है, डार्क सर्कल हैं, वो सारे इवन हो जाएंगे और सारे हाइड भी हो जाएंगे। अब मैं अपने फेस को कंसील करूंगी। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन स्किप कर दिया है और मैं सिर्फ कंसील ही करूंगी, इसीलिए मैं इसको पूरे फेस पर ही अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैंने कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ब्रश का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ वहाँ उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है और सारा मेकअप हाथ से ही किया है। क्योंकि मुझे 4 मिनट में ही अपना मेकअप कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने ब्रश भी स्किप कर दिया है। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, ओरिफ्लेम का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इससे मैं अपने बेस को फिक्स करूंगी। अगर हम कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाएंगे तो जो हमने कंसील किया है वो अपनी जगह से हिल भी सकता है और वो छूट भी सकता है। कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना बेस को पैक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे स्किप नहीं कर सकती हूँ। अब आईब्रो पेंसिल करूँगी, इससे मैं अपने आईब्रो को शेप दूंगी। ये NY का काजल है। यहाँ मैंने कोई आईलाइनर नहीं लगाया हुआ है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सिर्फ काजल ही लगाया है यहाँ पर। काजल से भी हमारे आईज़ बहुत ही सुंदर लगती हैं। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी।
लिपस्टिक को डबल कोट देने के लिए यहाँ पर मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है। जब भी हम लाइट मेकअप करें और हमें अपना फेस हाईलाइट करना हो तो हम रेड लिपस्टिक लगाएं, इससे हमारा फेस हाईलाइट होता है और मेकअप अच्छा लगता है। अब बस छोटी सी बिंदी लगा लूँगी। हेयर स्टाइल मैंने पहले ही बना ली थी तो जो भी बिगड़े हुए हेयर हैं तो उसको हल्का सा ठीक कर लूँगी बस। मेरा मेकअप यहीं पर कंप्लीट होता है। और इस मेकअप को आप कहीं पर जैसे कि घूमने जा रहे हैं या फिर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं, तो इस मेकअप को आसानी से अपग्रेड कर सकती हैं। अक्सर होता है कि अगर हम अपने फैमिली के साथ कहीं पर भी पिकनिक पर जाते हैं या घूमने जाते हैं तो हमको अपने लिए इतना टाइम नहीं मिलता, हमको घर गृहस्थी में ही इतना टाइम लग जाता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता कि हम इतना तैयार हो सके कि 2 घंटे 2 घंटे अपने ऊपर दें। तो इस मेकअप को मैंने सिर्फ 4 मिनट में ही क्रिएट किया है। आप अपनी घड़ी से, अपने वॉच से चेक कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन नीचे दिया गया है उसको प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।